नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा प्रश्न बताने वाला हूं जिसे देखकर लोग जो है फटाक से उत्तर देते हैं और उत्तर एकदम से गलत हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। निश्चित रूप से इस प्रश्न के जो उत्तर है ना वो बहुत ही यूनिक टाइप का होता है, लेकिन आपको यदि इसका उत्तर पता है तो मुझे फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका उत्तर कितना होगा। हालांकि इसका उत्तर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऑप्शन में दे रहा हूँ ताकि आपको सुविधा हो जाए। ए बी सी और डी, चार ऑप्शन में आपको दे रहा हूं। इन चारों ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले यहां पर मैं दे देता हूं एक, यहां पर दे देते हैं 25 और यहां पर दे देते हैं 60, ठीक है, और यहां पर हम दे देते हैं। आपको याद रखिएगा इन चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन सही है, आपको बिल्कुल सही ऑप्शन को ही कमेंट करना है, बिल्कुल भी गलत ऑप्शन को कमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए, आपके सामने यहां पर चार ऑप्शन मैंने लिख रखा है, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने आपके चारों ऑप्शन लिख दिए हैं, देखिए ए बी सी और डी। इन चारों ऑप्शन में आपको जो सही लगता है भाई, आपको जो सही लगता है उसको आप कमेंट करिए। निश्चित रूप से अगर आप बोडा मास के नियम को जानते हैं तभी आप इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा इसके बहुत लोग गलत जवाब देते हैं। देखिए, आपके पास चार ऑप्शन मैंने लिखा है, चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन क्या है सही है, लेकिन इस सही ऑप्शन को हम कैसे जानेंगे। देखिए कई लोग क्या करते हैं, देखिए ये चार ऑप्शन आपको याद रहेगा निश्चित रूप से, कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताइएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बोडा मास का नियम जो है ना, चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, है ना, बोडा मास बोलते हैं बी ओ डी एम ए और एस, ठीक है, इसका आपको प्रयोग करना है। अर्थात यहां पर देखिए ब्रैकेट, तो यहां पर कहीं पर तो ब्रैकेट नहीं है। पहले लोग क्या करते हैं, इस बोडा मास के नियम का भी सही उपयोग नहीं करते हैं तो भी गलत होता है। जैसे अगर मैं यहां पर 55 भागित कर देता हूं 11 और का मतलब अगर मैं गुना लिख देता हूं, तो ध्यान दीजिएगा हमसे गलती कहां पर होता है, ठीक है। इसमें देखिए अगर इस नियम में हम चलेंगे, अब इस नियम अगर हमें गणित कुछ इस रूप में दिया होता, अगर यहां पर का लिख कर नहीं दिया होता, इस रूप में दिया होता, तो पहले हम इसको हल करते 55 भागित 11, तो 55 भागित 11 को हल करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 5 आएगा, और 5 गुणित 5 मतलब कितना आ गया 25। लेकिन ये कब, जब हमें प्रश्न इसी रूप में दिया होता तब इस बोडा मास का नियम का प्रयोग करते, तो भाग को पहले हल करते उसके बाद गुना को हल करते। लेकिन भाई प्रश्न हमें इस रूप में नहीं दिया गया है, इस रूप में दिया गया है, और इस रूप में अगर प्रश्न को दिया गया है तो यहां पर जो का लिखा है ना, और इस बोडा मास के नियम में देखिए पहले ब्रेकेट नहीं दिया है ना, यहां पर देखिए ये जो संख्या आपको दिख रहा है मतलब अक्षर दिखाई दे रहा है ओ, ओ का मतलब क्या होता है ऑफ, और आफ का मतलब क्या होता है का, इसका मतलब इस का जो हल है वो इस डिवाइड से पहले, देखिए इस डिवाइड से क्या करना है, पहले डिवाइड से पहले इनको हल करना है। देखिए ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई से पहले आपको डिवाइड को हल करना है, भाग को हल करना है, और भाग से पहले आपको आफ को हल करना है, और आफ से पहले ब्रेकेट को। तो भाई यहां पर ब्रेकेट तो नहीं है लेकिन यहां पर का है, और इस का मतलब क्या है आफ है। हालांकि अगर दो ही पद होता तो हम आफ का मतलब क्या समझते हैं, गुना समझते हैं, ठीक है। मान ले जाए मुझे दो का, है ना, दो का दो निकालना होता, दो का मान क्या होगा, ऐसा कोई बोलता है मुझे दो का मान क्या होगा, तो दो का दो मतलब क्या होता है आफ का मतलब तो गुना होता है। ये देखिए, तो हम यहां पर क्या करेंगे, दो दूनी चार ही होगा क्योंकि इसमें और कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन भाई आपके पास तो ऑप्शन है, देखिए बोडा मास में क्या है 55 है, ठीक है 55 हमने लिख दिया, भाग को भाग ही लिखा, अब यहां पर 11 का 5 मतलब आफ लिखा है, और इस आफ को आपको पहले हल करना है किससे, डिवाइड से। देखिए डिवाइड से पहले आफ को हल करना है, और हमको पता है कि आफ का मतलब गुना होता है, तो 11 पंचे 55 होगा, यहां पर आपको करना पड़ेगा 11 पंचे 55। अब आपको 55 को 55 से भाग देना है तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो निश्चित रूप से हमने ऑप्शन दे रखा था उसमें से एक वाला जो भी ऑप्शन होगा वो परफेक्ट है, जबकि हमें यह लग रहा था कि 25 वाला सही हो सकता है। लेकिन याद रखिए अगर आप बिल्कुल सही नियम का प्रयोग करते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि बोडा मास नियम आप पढ़ सकते हैं, बोडा मास जिसको बोलते हैं, तो यहां पर देखिए आपको आफ को पहले हल करना है, उसके बाद डिवाइड को हल करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई को हल करेंगे, है ना। कई बार क्या होता है केवल इतने का प्रयोग किया जाता है, अगर केवल इतने का प्रयोग किया गया होता 11 का 5 का मान कितना होगा, तब इसको आप क्या करते 11 पंचे 55, ठीक है।
डायरेक्ट गुना बस करते, ठीक है। लेकिन अगर उसमें कोई और संघ क्रिया दिया हो तो आपको याद रख लेना है जिस क्रम में बोडामास का नियम के तहत दिया गया है उसी तहत आपको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से छोटा सा प्रश्न था लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही उपयोगी है, तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।